हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीएसपी क्लासेज में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है इंडियन नेवी रिक्वायरमेंट, यानी कि इंडियन नेवी ने 12वीं पास के लिए 2700 पदों पर निकाली वैकेंसी। जी दोस्तों, ये एकदम सही बात है। इंडियन नेवी ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये जो है 12वीं पास के लिए 2700 पदों पर भर्ती निकाली है। किस प्रकार आवेदन किया जाना है वो सब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, आप लास्ट तक वीडियो को देखिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो, स्टार्ट डेट 8 नवम्बर है और अंतिम दिनांक 18 नवम्बर है। तो इस बारे में जो भी है, जो क्या नोटिफिकेशन में दिया हुआ, सब कुछ हम आगे वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से मैं कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक चैनल बीएसपी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन के बटन को भी दबाइए ताकि आपको सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि हमारे चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है वो सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाती है, इसलिए आप अपने दोस्तों को भी इसके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों हम आगे की तरफ कि क्या दिया हुआ है, क्या नहीं इंडियन नेवी ने क्या जारी किया। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है इंडियन नेवी रिक्वायरमेंट, इंडियन नेवी ने 12वीं पास के लिए 2700 पदों पर निकाली वैकेंसी, क्या होगी सैलरी वो सब हम आगे बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इंडियन नेवी रिक्वायरमेंट, वही बात है 2700 वैकेंसी जो है वो इंडियन नेवी ने जारी की है और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जो मैं भी आपको डाउनलोड करके बताऊंगा कि किस प्रकार क्या दिया हुआ है, उसमें सारा जो लिखा हुआ है वो सब मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। उससे पहले आगे चलते हैं न्यूज में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ दिया हुआ है इंडियन नेवी रिक्वायरमेंट, सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए इंडियन नेवी ने सेलर के पदों पर वैकेंसी निकाली है। तो देखिए दोस्तों, कौन से पदों पर निकाली है, इंडियन नेवी ने सेलर के पदों पर वैकेंसी निकाली है और कुल पद 2700 है, जिनमें से जो आर्टिफिशर अप्रेंटिस यानी AA जो होता है उसके 500 और सीनियर सेकेंडरी रिक्वायरमेंट यानी 12वीं पास वालों के लिए उनके लिए जो है 2200 पद है। टोटल मिला के 2700 पद हो जाते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया 8 नवंबर 2019 है और लास्ट जो इसकी तारीख है वो 18 नवंबर 2019 है। तो देख सकते हो दोस्तों, 8 नवंबर से जो इसकी आवेदन प्रक्रिया चालू हो जाएगी। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, 12वीं पास लिखा हुआ है यहाँ, 12वीं पास लोग आवेदन कर सकते हैं। बाकी क्या क्वालिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन में हम देख लेंगे। पद का नाम सेलर है, कुल पदों की संख्या 2700 और योग्यता, इन पदों पर वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 12वीं में 60% अंक हासिल किया, यानी कि जिनके 12वीं में 60% से ज्यादा जिनके परसेंटेज है वही 60% या उससे अधिक वाले इसको फॉर्म को भर सकते हैं। किस प्रकार फॉर्म को भरना है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि एजुकेशन न्यूज से सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल बीएसपी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले एजुकेशन न्यूज पता चल सके। तो अब चलते हैं आगे तरफ। आगे लिखा हुआ है कैसे करें आवेदन, ऑफिशियल वेबसाइट ये है जो मैं आपको आगे बता दूंगा कि किस प्रकार आपको आवेदन करना है। उससे पहले जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी की है जो इंडियन नेवी ने, वो क्या है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये इंडियन नेवी का जो अभी आपके सामने मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ओपन किया है और ये जो उसका नोटिफिकेशन है वो दिया हुआ है किस प्रकार नहीं वो आपको मैं सब कुछ बताता हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों, द इंडियन आर्मी जो इंडियन नेवी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो आपको बताता हूँ। AA के जो पद है वो 500 है, SSR के 2200 पद है, जैसा ही मैंने पहले बताया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ ध्यान से देखे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि 12वीं पास है लेकिन नोटिफिकेशन में दिया हुआ है वो किस प्रकार है, जो AA है उनके लिए अलग है और SSR के लिए वो अलग प्रकार से है कि 12वीं पास में क्या योग्यता होनी चाहिए। तो AA के जो पद है उसमें 10+2 होने चाहिए, वो भी 60% मार्क से, यानी 60% से ज्यादा होने चाहिए। और जो 12th में उसके है वो मैथ और फिजिक्स कम से कम दोनों में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, केमिस्ट्री बायोलॉजी फ्रॉम द बोर्ड्स ऑफ स्कूल, इनमें से भी ये हो सकता है। एज जो आपकी वो देख सकते हो, 1 अगस्त 2000 से लेकर 31 जुलाई 2003 तक दोनों तारीख भी इसमें ऐड होगी और इनके जो बीच में है वो सभी विद्यार्थी जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आगे देखते हैं जो इसमें प्रमोशन लिखा हुआ, प्रमोशन होता है इसमें
अभी जो लिखा प्रमोशन पोस्ट पे एग्जिट अप टू द रैंक ऑफ मास्टर चीफ पेडली ऑफिसर फर्स्ट, यानी इस ग्रेड पे इसका प्रमोशन होता है। और पे एंड अलाउंस यानी जो सैलरी है वो इसमें लिखी है, जो पहले होगी 14,600 रुपये होगी पर मंथ, विल बी एडमिशन ऑन सक्सेसफुल ऑफ इंटरव्यू, यानी जो आपका ट्रेनिंग चलती है उस टाइम ही होगी, और उसके बाद इंटरव्यू वो ट्रेनिंग खत्म होने बाद 21,700 से लेके 70,000 यानी 69,100 के बीच हो सकती है। अब जो आपका अगला है कि मैंने आपको ए के बारे में तो बता दिया क्वालिफिकेशन क्या, लेकिन जो एसएसआर की क्वालिफिकेशन है वह 10+2 होनी चाहिए, और इसमें 60% का कोई वो नहीं है, कोई भी क्रिएटा नहीं है कि 60% होनी चाहिए, लेकिन इसमें बारहवीं में आपके मैथ और फिजिक्स दोनों में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और बाकी केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस ये सब तो है ही। अब चलते हैं आगे की तरफ, क्या दिया हुआ है आपको मैंने बताया कि किस प्रकार सिलेक्शन प्रक्रिया हुई, जो ए की है उसमें जो सिलेक्शन प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद पीएफटी यानी जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है वो होगा, और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसी प्रकार जो एसएस की जो सिलेक्शन प्रक्रिया है उसमें भी सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब जो इसमें दिया है कि जो कंप्यूटर पे एग्जामिनेशन है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे वो दिया हुआ है, तो 1 कॉमन ऑन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट फॉर ए एंड एस आर एंट्रीज, यानी कि दोनों का एक जैसा ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। इसमें जो क्वेश्चन पेपर है कंप्यूटर बेस्ड होगा, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन एक मार्क का होगा। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, एंड ऑब्जेक्टिव टाइप आपके पास है क्वेश्चन होंगे, आपके पास मल्टीपल चॉइस होगी, आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी प्रकार पेपर को कर सकते हो। पेपर में जो सेक्शन आएंगे कौन कौन सा जो आएगा, इंग्लिश के आएंगे, साइंस आएगी, मैथमेटिक्स आएगी, जनरल नॉलेज आएगी। तो दोस्तों ये तो बात है सिलेबस की, जो मैं आगे वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस प्रकार वीडियो काफी लंबी हो सकती है, तो आपको मैं ओनली वही बताता हूँ जो मेन मेन पॉइंट है। इसमें आपका मेडिकल ये सब मैं आपको आगे सिलेबस में बता दूंगा। एग्जामिनेशन फीस दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ जो जनरल ओबीसी है उनके लिए 215 रखी गई है, और जो एससी एसटी वाले स्टूडेंट है उनके लिए फीस 0 है, यानी उनके लिए फीस बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैंने तारीख बताई दी कब से एग्जाम ये जो है ऑनलाइन चालू हो रहे हैं और कब खत्म होंगे, तो यहाँ देख सकते हैं 8 नवंबर 2019 को ये स्टार्ट हो रहे हैं, और 18 नवंबर 2019 को इस ऑनलाइन प्रक्रिया जो बंद हो जाएगी। अगर आपको देख किस प्रकार से ये रजिस्टर करना है तो यहाँ देखिए वेबसाइट ये www.joinindiannavy.government.in, इस पर आप डायरेक्ट क्लिक करके डायरेक्ट वहाँ पहुँच सकते हैं, और वहाँ पहुँच के आपके सामने जो इंडियन नेवी का इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होते आप नीचे की तरफ जाइए, नीचे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन। इस अप्लाई ऑनलाइन पर आप ओके करोगे, ओके करते ही आपके पास इस प्रकार से एक पेज खुलेगा। तो आप अगर पहले आपने इंडियन नेवी का कोई फॉर्म भरा है तो आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड होगा, वो आप यहाँ टाइप कीजिए, ये कैप्चा टाइप कीजिए और लॉगिन कीजिए। ऐसा करते ही आपका जो सारी डिटेल थी पिछले एग्जाम में आपने भरी थी वो सारी डिटेल आ जाएगी, और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ओनली कुछ ही जो इसमें मांगा होगा वो भरना होगा। लेकिन आप पहली बार इंडियन नेवी का कोई फॉर्म भर रहे हो तो आपको सबसे पहले यहाँ रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपके सामने आधार कार्ड या विदाउट आधार कार्ड दोनों पूछा है, तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा अगर आपका आधार कार्ड जिस पे ओटीपी मोबाइल नंबर जाता है वो आपके पास है तो आप रजिस्टर आधार कार्ड से ही कीजिए, ताकि आपको आगे किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आगे आपसे जो मांगा जाएगा वो आप भर सकते हो। दोस्तों अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो मैं आपको नहीं बता सकता, तो आगे दूसरी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, मैं दूसरी वीडियो बता दूँगा कि किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, जो सारी की सारी प्रक्रिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और लास्ट में समाप्ति से पहले कहना चाहूँगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्यों एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है वो सबसे पहले हमारे चैनल पर दी जाती है। धन्यवाद दोस्तों।